हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज 4 अक्टूबर को रेलवे ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये वीडियो मैंने हुबली जोन वालों के लिए बनाया है, जिनका भी हुबली जोन में आगे एग्ज़ाम है। ये वीडियो पूरा देखकर जाइए, क्योंकि इस वीडियो से डायरेक्ट आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ग्रुप डी की रोज़ाना वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, कारियो इजिप्ट में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा और व्यक्तिगत स्पर्धा दोनों में सिल्वर मेडल जीता है। ISSF वर्ल्ड कप 2022 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा और व्यक्तिगत स्पर्धा दोनों में सिल्वर मेडल ईशा सिंह ने जीता है। तो ईशा सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको भी एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीता है सौरभ चौधरी ने। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में गोल्ड रही राही सरनोबत ने और ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने जीता है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना, वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 को फटा था आखिरी बार। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा ये किस अनुसूची में है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का जो बंटवारा होता है दोस्तों, ये संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। तो 7वीं अनुसूची आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो पोंगल मकर संक्रांति ये जनवरी महीने के त्यौहार हैं। और ये वाला क्वेश्चन 10 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है अभी तक। अगला क्वेश्चन है, CO2 में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन राइट आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में आएंगे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो इस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज से संबंधित जितनी भी 5 समितियां हैं उनको रट लो। वैसे तो एग्जाम एनालिसिस जिसने भी पूरा देखा है वो सभी आपको याद होंगे। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में है। ये वाला क्वेश्चन 50 से भी ज़्यादा शिफ्टों में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातुओं का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटनी विधि से ही करते हैं? देखिए, जो आपका जो धातुएं अत्यधिक क्रियाशील एवं अत्यधिक धन विद्युती प्रकृति की होती हैं या अच्छी अपचायक होती हैं ना, उन धातुओं का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटनी विधि से ही किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये वे धातुएं हैं जिनका निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन विधि से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी प्रकृति और चालक के तापमान पर निर्भर करती है। तो आंसर हो जाएगा प्रकृति और तापमान। और ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में नीपर रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया? NIPER रिसर्च पोर्टल को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। NIPER का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा लॉन्च किया गया ई-रूपी ये किस पर आधारित होता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा लॉन्च किया गया ई-रूपी जो है ना, ये दोस्तों ई वाउचर पर आधारित होता है। डिजिटल भुगतान समाधान है ये। ई-रूपी प्लेटफॉर्म को NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शन SO3 प्लस H2O क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा हाइड्रोलिस में। यहाँ पे इससे आसान तो आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा और आसान रिएक्शन और काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपसे। कौन सा पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बैंक है? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों,
आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वर्तमान में कुल 12 PSU हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। कौन कौन से हैं? बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद बात करें इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 12 बैंकों के अगर आपको नाम याद है ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। अगर क्वेश्चन ऐसा होगा कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो ये 12 नाम याद है तो एक आपको नाम याद होगा, वही ऑप्शन में दिया होगा। या फिर ऐसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, तो इनके अलावा जो ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 नाम आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को हम रजोनिवृत्ति कहते हैं, और जो प्रथम मासिक धर्म होता है उसे रजोदर्शन बोलते हैं। ये दोनों नाम याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन आ रहा है इससे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दफ्तर में एक आदमी को प्रमोशन दिया जाता है, उसी दफ्तर में महिला होने पर उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता, यह किस अधिकार का हनन है? तो यह समानता का अधिकार का हनन है। अगला क्वेश्चन, भारत गैट का सदस्य कब बना? 8 जुलाई 1948 को बना, और WTO का मेंबर बना 1 जनवरी 1995 को। ये दोनों क्वेश्चन दो दो बार रिपीट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन 2023 कौन से शहर होस्ट करेगा? तो ये मुंबई शहर होस्ट करेगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में है, 8 अक्टूबर 1962 को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया, कौन सा किया था? टोयोटा मिराई कंपनी का। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का कौन सा योजना है जो विदेश में जो अल्पसंख्यक बच्चा पढ़ने जाता है उसको छात्रवृत्ति जो दिया जाता है उसका नाम क्या है? केंद्र सरकार का जो अल्पसंख्यकों के लिए पढ़ो प्रदेश, राइट आंसर होगा पढ़ो प्रदेश योजना का शुभारंभ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा 2013-14 में किया गया। योजना के अंतर्गत सरकार छात्रों द्वारा किए गए ऋण के ब्याज दर पर 100% सब्सिडी दे रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें केंद्रक पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, कोशिका जिसमें नाभिक नहीं होता प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा शैली कौन सी होती है? जो तमिल जो है ना, ये द्रविड़ भाषा शैली है, और यहाँ पर तमिल की बात करें तो श्रीलंका और सिंगापुर, ये दो देशों की जो है ना ये आधिकारिक भाषा भी है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया भी था एक बार। अगला क्वेश्चन है, हु डिफाइन द म्यूजिक ऑफ सा रे गा मा पा इन द बेसिक ऑफ पीरियोडिक टेबल? तो ये डिफाइन किया न्यूलैंड के अष्टक नियम से। अगला क्वेश्चन है, जिसमें 3 कार्बन होते हैं किसमें होंगे? ऑप्शन है ग्लूकोज एथेनॉल, पायरुविक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। तो जो 3 कार्बन है ना, ये पायरुविक एसिड में होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है C3H4O3। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डोबेरिनियर से संबंधित 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। डोबेरिनियर जेना विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य कराया इन्होंने। उन्होंने किसी पदार्थ का बोछार करके पदार्थों का गुण धर्म का अध्ययन किया। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल MPI 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 109 में से भारत की रैंक 2021 में 66 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट के किण्वन से क्या उत्पाद बनते हैं? फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स ऑफ यीस्ट आर इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है यीस्ट के फर्मेंटेशन से। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयला पेट्रोल प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस 3 ओम और वोल्टेज है 12, तो फाइंड करना है पावर। P बराबर होता है V × I, पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, शॉर्टकट करेंगे V² / R से। यहाँ पे V का मान दिया है, R का मान दिया है, आंसर बताइएगा कमेंट में क्या होगा। V² / R वाला फॉर्मूला लगाइएगा, फटाफट हो जाएगा। टूथपेस्ट की प्रकृति होती है क्षारीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को दास्ता का चार्टर के रूप में उल्लेखित किया और इसकी तुलना बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की? तो ये दोस्तों एक्ट था भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों द्वारा उत्सर्जित कौन सा उत्पाद मानव के लिए हानिकारक होता है?
चार विकल्प आपके सामने हैं, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा CO2। CO2 जो है ये पेड़ पौधों द्वारा उत्सर्जित है, जो कि उत्पाद है, ये मानव के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूवी किरणों से कौन सा रोग होता है? स्किन कैंसर हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, नदियां जब पर्वतों से गिरती हैं तो समुद्र से मिलने से पहले अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, उसे क्या बोलेंगे? उसे वितरिकाएं कहते हैं। तो वितरिकाएं करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही धाराएं समुद्र, वे अक्सर भूमि पर गाद और धरण छोड़ती हैं जो डेल्टा बनाती हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।